पाव किलो चिकन में इतने सारे रशियन कबाब बन के रेडी हो गए थे और बाकी फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऐसी रेसिपी हर कोई बना सकता है। पाव किलो चिकन है, इसकी छोटी छोटी पीस करके गरम पानी में बॉईल करने के लिए डाल दी थी। अब इसके अंदर मैं काली मिर्च और नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ ताकि इसको अच्छे से मैं पका लूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें रहने दूँगी क्योंकि हमें रेशे रेशे करना है। तो बस चिकन को मैंने बॉईल करने के बाद ठंडा करके अब सारी चिकन की पीस को मैं रेशे रेशे कर लूँगी, बारीक बारीक अलग अलग, क्योंकि मिक्सर में करेंगे तो पूरा पाउडर बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसे हाथ में ही करना चाहिए क्योंकि जब बनाते हैं और खाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो बस मैंने चिकन को बारीक बारीक काट ली थी और मैंने आधा किलो आलू ले ली थी, मतलब 6 आलू ले ली थी, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, इन सब को बारीक बारीक मैंने काट ली थी। मैं 2 माप तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद इसको गर्म कर लूंगी। गर्म हो जाएगा तो मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को बारीक बारीक कतर ली थी और मिर्ची ज़्यादा डालूंगी क्योंकि मुझे स्पाइसी बनाना था। तो बस मैंने इनको तेल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। हरी मिर्ची अच्छे से लाल हो गई थी, उसके बाद मैं 2 चम्मच मैदा डालूंगी। इनको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इतना मतलब मुझे भूंजना है जब तक मैदे का कलर चेंज नहीं हो जाता है। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसको भूंजते ही रहेंगे तभी ये पानी के जैसा बैटर बन जाएगा। देखो कलर चेंज हो गया, इसमें भूनने की ही मेहनत है ताकि हमारे बैटर कच्चे ना हो जाए। तो बस मैदे को मैं अच्छे से भून लूंगी। ऐसा बैटर हो जाएगा तो उसके बाद गीले गीले में हम डालेंगे शिमला मिर्ची और गाजर और पत्ता गोभी जो हमने सब्जी को बारीक बारीक काट के रख ली थी। अब इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। सब्जी मेरी अच्छे से भून जाएगी, थोड़ी पक जाएगी सब्जी। मेरी सब्जी अच्छे से बन गई थी, भूंज गई थी। अब इसके बाद मैं डालूंगी नमक और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला। नमक थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमने चिकन में पहले से ही डाल दिए थे। अब इसमें मैं 1 कटोरी दूध डालूंगी ताकि मेरा बैटर अच्छे से पक गया था तो थोड़ा मिक्स कर लूंगी। दूध डालने से ये होता है कि हमारे जो कबाब है बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते, शाही बन जाता है। मलाई और दूध डालते हैं तो चीज़ें हमारी शाही बन जाती है। उसी तरह बैटर मेरा बन के परफेक्ट हो गया था। अब मैं चिकन डाल दूंगी जो हमने बारीक बारीक काट के रख लिए थे, रेशे कर लिए थे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लूंगी। कढ़ाई से मसाला मेरा छोड़ दिया, मतलब भूंज गया था। अब उसके बाद मैं आलू डालूंगी, इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मेरा ये परफेक्ट बैटर बन के रेडी हो गया था। बस इसमें कोदमीर डालना था और कबाब बनाना था। तो बस मेरा शाही रशियन कबाब बन के मेरा रेडी हो गया। बस इसका शेप लेने का है तो बस हाथों में डाल के गोल गोल करके अच्छे से शेप ले लूँगी और इसे मैं थोड़ा बनाऊँगी और बाकी स्टोरेज करके रख दूँगी क्योंकि रमज़ान में मैं ज़्यादातर समोसा, कबाब और रोल ये फ्रिज में बना के पहले से ही रख देती हूँ। और कुछ अलग एक्स्ट्रा बनाना होता है तो टाइम मुझे वक्त भी मिल जाता है और अफ्तारी भी हमारी अच्छी परफेक्ट हो जाती है और सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि आज क्या बनाना है, बस लिए चीज़ और फ्राई कर दिए। इसी तरह से मेरे सारे रशियन कैटलेट्स बन के रेडी हो गए थे। आप लोग के पास जो भी सेवई हो बस उसे लेना है और हाथ से मसल लेना है, बस मसल के अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा बारीक बारीक। उसके बाद अंडा लेके एक बाउल में लाल मिर्ची पाउडर और नमक अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना तीखा डालोगे उतना स्पाइसी के कबाब हमारे बनेंगे। तो मैंने सब बन के रेडी कर ली थी। अब एक साइड पे कढ़ाई को गरम कर ली थी और कबाब को लेके मैंने पहले अंडे में डाली, फिर मैंने सेवई में डाली। अच्छी तरह से करके ऐसे ही कैटलेट्स बना लूँगी मैं।
तो रशियन कबाब मैंने बना के इसे फ्रीज में 20 आधे घंटे के लिए रख दी थी, तो ये बन के मेरा परफेक्ट हो गया था। अब एक थैली में लेके मैं इसके अंदर डाल दूंगी, मुझे जितने कबाब डालना है रख दूंगी, फिर एक एक करके फ्रीज में से निकाल के इसे फ्राई कर लूंगी। इसी तरह मैं रमजान में ऐसे ही तैयारी करती हूँ। आप लोग कैसा करते हो? मैं समोसा रोल और कबाब को पहले ही बना के 15-20 दिन के लिए रख देती हूँ, ताकि हमारे रमजान अच्छे से जाए और इबादत बहुत अच्छे से जाए। इसी तरह मैंने एक और कबाब बनाई थी, उसको भी बना के स्टोरेज करके रख दूंगी। तो एक साइड कढ़ाई गरम कर ली थी, अब मैंने जो रशियन कबाब के आधे घंटे बाद फ्रीज से निकाल के इसे फ्राई कर ली थी, अब सिलो आंच पर डालूंगी और इसे क्रिस्पी और एकदम कुरकुरे बनते हुए देख लूंगी। और ये जल मतलब ऑलरेडी पहले से ही पके हुए, तो बस हमें हल्का हल्का ही इसे पकाना है, लाल हो जाए तो फिर निकाल लेना है। रशियन कबाब की एकदम सिंपल और आसान रेसिपी रमज़ान में हर कोई बना सकता है और इंजॉय कर सकता है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो